गुड मॉर्निंग टू ऑल। गुड मॉर्निंग सर। गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग सर। देखो बेटा, नेक्स्ट टॉपिक इज कंसंट्रेशन सेल। देखो बेटा, कंसंट्रेशन सेल आपके पास टू टाइप्स का हो सकता है, कि या तो जो दो इलेक्ट्रोड है वो सेम मटेरियल के हो और उनके अंदर जो कंसंट्रेशन ऑफ इलेक्ट्रोलाइट क्या हो, डिफरेंट हो, राइट? बोलो यस सर। बेटा कंसंट्रेशन सेल का मतलब क्या हुआ, कंसंट्रेशन डिफरेंट होगी, यस और नो? यस सर। जैसे टू इलेक्ट्रोड्स क्या ले लें, टू इलेक्ट्रोड ऑफ सेम मटेरियल, मतलब जो बने हुए उनका मटेरियल क्या है दोनों का, सेम बट डिफरेंट कंसंट्रेशन ऑफ इलेक्ट्रोलाइट। इलेक्ट्रोलाइट की कंसंट्रेशन क्या हो जाएगी बेटा उसके अंदर, डिफरेंट। समझ गए? Yes. और कैसे कह सकते हैं, टू इलेक्ट्रोड्स ऑफ, दो इलेक्ट्रोड किसके बने हुए बेटा, मतलब सेम मटेरियल अलग अलग कंसंट्रेशन के बने हुए हो बट इमर्स्ड इन सेम कंसंट्रेशन ऑफ इलेक्ट्रोलाइट। इलेक्ट्रोलाइट की कंसंट्रेशन सेम हो इनमें और इलेक्ट्रोड की कंसंट्रेशन क्या हो, अलग हो, तो एक को तो हम क्या बोल देंगे, जैसे यहां इलेक्ट्रोलाइट की कंसंट्रेशन डिफरेंट है तो इसको क्या बोलेंगे हम, इलेक्ट्रोलाइट कंसंट्रेशन सेल, और यहां पे इलेक्ट्रोड की कंसंट्रेशन डिफरेंट है तो इसको क्या बोलेंगे हम, इलेक्ट्रोड कंसेंट्रेशन सेल, राइट? देखो इसकी रिप्रेजेंटेशन, मान लो जैसे तुमने गैल्वेनिक सेल लिया था, तो गैल्वेनिक सेल के अंदर क्या लिया था, कॉपर और उसको लिया था ना, जिंक को, कॉपर और जिंक। अब यहां पे ये बीच में इनके पोरस पार्टीशन हो गया, देखो बेटा इनको कनेक्ट कर दिया अपन ने, ये नेगेटिव टर्मिनल मान लो नेगेटिव से, और ये पॉजिटिव टर्मिनल पॉजिटिव से कनेक्ट कर दिया। अब ये इलेक्ट्रोड भी यहां पे जिंक का लिया था हमने एनोड, और यहां पे भी इसको किसका मान लो, दोनों अपन ने बिल्कुल ये ब्लैक से कोटिंग करके दिखा रहे हैं, ये दोनों जिंक के हो, तो इसको जिंक के इलेक्ट्रोड को इसकी रेस्पेक्टिव कंसेंट्रेशन में पुट कर रखा है ZnSO4, लेकिन इसकी कंसेंट्रेशन मान लो C1, और इस जिंक इलेक्ट्रोड को पुट किया है ZnSO4 ऑफ कंसेंट्रेशन C2, तो ये ऊपर वाले के जैसा हो गया, कौन सा है ये, इलेक्ट्रोलाइट कंसेंट्रेशन सेल, ठीक है? बोलो। अब देखो इसका रिप्रेजेंटेशन ABC, एनोड ब्रिज और कैथोड, तो देखो इसमें बेटा सेम वेसल के अंदर किया है ये, एनोड कौन हो गया, जिंक, तो जिंक किस में बदलेगा, इसके अंदर जिंक जाएगा Zn+2 में, तो इसमें Zn+2 की कंसंट्रेशन को क्या मान लो, C1, ये ब्रिज हो गया, और दूसरे में होगा कैथोड पे रिडक्शन, Zn2+ की कंसंट्रेशन होगी C2, और वो किस में रिड्यूस हो जाएगा, Zn में। अब देखो यहां पे नर्स्ट इक्वेशन हमारी होती है E ऑफ सेल इक्वल्स टू ई नोट ऑफ सेल माइनस 0.0591 अपॉन एन लॉग ऑक्सीडाइज प्रोडक्ट की पावर एक्स अपॉन रिड्यूस प्रोडक्ट
की पावर वाई, इस तरीके से लिखते हैं बेटा जनरलाइज्ड फॉर्म में। यस तो देखो यहां पे ये जो ई ऑफ सेल, ई ऑफ सेल कंसंट्रेशन सेल के लिए क्या होगा, दिस इज इक्वल टू जीरो। बेटा ये कैथोड माइनस एनोड करेंगे, और कैथोड और एनोड दोनों सेम मटेरियल के हैं, जिंक जिंक के, तो जिंक की स्टैंडर्ड ईएमएफ सेम होगी या नहीं होगी दोनों में? यस सर। यस सर। तो ये जीरो पुट कर दी हमने ई ऑफ सेल, तो अपनी इक्वेशन क्या बन गई, ई ऑफ सेल इक्वल्स टू माइनस 0.0591 अपॉन एन लॉग। देखो बेटा ऑक्सीडाइज प्रोडक्ट की कंसंट्रेशन कितनी है, सी वन है अपने पास, यहां पर देखो ऑक्सीडाइज प्रोडक्ट की, तो लॉग सी वन अपॉन सी टू, और इस फॉर्मूले को हम ऐसे भी लिख सकते हैं ई ऑफ सेल इक्वल्स टू 0.0591 अपॉन एन लॉग लॉग सी टू बाई सी वन। समझ गए बेटा? देखो बेटा हम ये बोल सकते हैं कि यहां पे ई ऑफ सेल, ई ऑफ सेल पॉजिटिव होगी देन ओनली सेल रिएक्शन स्पॉन्टेनियस, तो ही सेल रिएक्शन होगी, नहीं तो नहीं होगी। तो ई ऑफ सेल पॉजिटिव तभी होगी बेटा व्हेन, देखो ये सी टू बाई सी वन क्यों किया है मैंने, यहां पे नेगेटिव को हटा दिया फिर, तो व्हेन सी टू इज ग्रेटर देन सी वन, सी टू जब सी वन से ज्यादा होगा तभी पॉजिटिव होगी ना, और अगर कम होगा तो क्या होगी, नेगेटिव। तो मतलब negative. क्या कह सकते हैं हम, सी वन कंसेंट्रेशन वो थी जहां पे ऑक्सीडेशन हो रहा था, तो जहां पे ऑक्सीडेशन हो वहां पे तो कंसेंट्रेशन क्या होनी चाहिए आपकी, सी वन मतलब लोअर होनी चाहिए, सी वन तो वो मान लिया हमने, फिक्स कर दी, जहां पे ऑक्सीडेशन हो वहां पे कंसेंट्रेशन लोअर होनी चाहिए, और जहां पे रिडक्शन हो वहां पे कंसेंट्रेशन क्या होनी चाहिए, हाइयर। ई ऑफ सेल हो गया यहाँ पे पॉजिटिव, देन ओनली द सेल रिएक्शन विल बी स्पॉन्टेनियस व्हेन सी टू इज ग्रेटर देन सी वन, दैट इज कंसेंट्रेशन इन ऑक्सीडेशन ऑफ सेल सी वन should be lesser and concentration in reduction of cell C2 should be more, अगर ऐसा है तो cell reaction spontaneous होगी, नहीं तो cell reaction क्या हो जाएगी तुम्हारी, non spontaneous। बेटा इसमें कोई doubt हो तो बताओ किसी को भी, किसी बच्चे को concentration cell में, no sir। अगर अलग अलग material के होंगे तो क्या कह देंगे हम, अगर इलेक्ट्रोलाइट की कंसेंट्रेशन डिफरेंट है तो क्या बोलेंगे उसको, इलेक्ट्रोलाइट कंसेंट्रेशन सेल, और इलेक्ट्रोड की कंसेंट्रेशन डिफरेंट है तो क्या बोल देंगे उसको हम, इलेक्ट्रोड कंसेंट्रेशन सेल, इलेक्ट्रोड कंसेंट्रेशन सेल। बेटा समझ गए क्या सब लोग? यस सर। यस सर। अब देखो वर्क डन बाय द सेल, वर्क डन बताओ बेटा कैसे निकालेंगे वर्क डन हम, देखो ऐसे मान लो ये इस कोने पे एक चार्ज है, क्या है इस कोने पे ये चार्ज, चार्ज, तो चार्ज जब होता है तो चार्ज अपने चारों तरफ पोटेंशियल डेवलप करता है या नहीं करता, यस करता है ना बेटा, तो वो चार्ज, वो चार्ज इनटू वहां पे उस चार्ज की वजह से पोटेंशियल, समझ गए? तो देखो वर्क डन बाय द चार्ज, वर्क डन बाय अ चार्ज पर्टिकुलर, तो कैसे बोलोगे, वर्क डन बाय द सेल बराबर डब्लू, डब्लू बराबर वो चार्ज इनटू वहां पोटेंशियल, इनटू वहां पोटेंशियल, किसकी किसकी वजह से पोटेंशियल, चार्ज की, वेरी गुड, वो चार्ज इनटू वहां पे पोटेंशियल क्रिएटेड बाय चार्ज, पोटेंशियल किसकी वजह से होगी,
चार्ज की वजह से, ये वर्क डन का फॉर्मूला हो गया। तो वो चार्ज बताओ, चार्ज क्या होता है? क्यों बोलो बेटा, देखो वो चार्ज इनटू वहां पे पोटेंशियल। तो वो चार्ज, चार्ज तो बराबर अपने पास जैसे वन मोल ऑफ इलेक्ट्रॉन्स है, तो वन मोल इलेक्ट्रॉन कितने भी हो सकते हैं ना बेटा, जो एक्सचेंज होंगे रिएक्शन में। देखो चार्ज ऑन वन मोल ऑफ इलेक्ट्रॉन होता है फैराडेज कांस्टेंट के बराबर, तो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स को मल्टीप्लाई कर दो एन इंटू एफ, एन इंटू एफ तो किसके बराबर हो गया तुम्हारा, चार्ज, चार्ज के बराबर, और इंटू पोटेंशियल, इंटू पोटेंशियल क्या होगी इसकी, डेल्टा वी, ई नोट ऑफ सेल, ई नोट, यस और नो, यस। अब देखो बेटा, जैसे थर्मोडायनेमिक्स के अंदर हम क्या पढ़ते हैं, थर्मोडायनेमिक्स में ये कहते हैं कि वर्क डन, ऐसे बोल सकता हूं मैं, वर्क डन बाय द सेल बराबर डिक्रीज इन द गिब्स फ्री एनर्जी। देखो वर्क डन तभी होगा कोई भी प्रोसेस के लिए, यहां पे हम सेल के लिए पढ़ रहे हैं, किसी भी थर्मोडायनेमिक प्रोसेस के लिए वी कैन से दैट वर्क डन बाय अ सेल इज इक्वल टू द डिक्रीज इन फ्री एनर्जी। फ्री एनर्जी का मतलब होता है बेटा फ्री एनर्जी अवेलेबल फॉर डूइंग वर्क, काम करने के लिए फ्रीली अवेलेबल एनर्जी। वर्क डन बाय अ सेल इज इक्वल टू द डिक्रीज इन फ्री एनर्जी। तो फ्री एनर्जी तुम्हारी डेल्टा जी नेगेटिव होनी चाहिए पॉजिटिव, बेटा डिक्रीज हो रही है फाइनल, तो फाइनल कम इनिशियल ज्यादा, तो चेंज क्या आ जाएगी उसमें, नेगेटिव। तो डब्ल्यू, डब्ल्यू बराबर मैं ऐसे कह सकता हूं नेगेटिव ऑफ डेल्टा जी। अब देखो डब्ल्यू की वैल्यू पुट कर दो, तो डेल्टा जी नोट क्या आ जाएगा इसमें, स्टैंडर्ड गिब्स फ्री एनर्जी मान लो डेल्टा जी नोट, तो डेल्टा जी नोट इक्वल्स टू माइनस एन एफ ई नोट ऑफ सेल। बोलो ऐसे बोल सकते हैं नियम, यस सर, ये E नोट और डेल्टा जी के साथ रिलेशन होगी बेटा इसके अंदर। E नोट इज द स्टैंडर्ड ईएमएफ ऑफ सेल। बेटा सेल का काम कब करेगा, जब उसकी E नोट पॉजिटिव हो और डेल्टा जी क्या हो, नेगेटिव। सेल काम तभी करेगा जब डेल्टा जी क्या हो, नेगेटिव, एंड ई नोट ऑफ सेल क्या हो आपकी, पॉजिटिव, तो सेल काम करेगा, अदरवाइज नो। मींस द चेंज इन गिब्स फ्री एनर्जी शुड बी, जो गिब्स फ्री एनर्जी के अंदर चेंज है वो क्या होना चाहिए बेटा, नेगेटिव। समझ में आया नहीं है? यस सर। अब देखो जैसे ये जो कंसंट्रेशन सेल है, कंसंट्रेशन सेल में मान लो प्रेशर आ जाए तुम्हारे, अगर कंसंट्रेशन सेल में प्रेशर हो, डिफरेंट प्रेशर, अगर गैसियस इलेक्ट्रोड हो कोई भी, तो क्या कर देंगे हम इस फॉर्मूले में, ये फॉर्मूला फॉर अ गैसियस इलेक्ट्रोड, बताओ बेटा गैसियस इलेक्ट्रोड के लिए क्या करेंगे इसमें, ई ऑफ सेल को बराबर 0.0591 अपॉन एन लॉग 10 बेस। बताओ बेटा क्या करेंगे इसमें कंसंट्रेशन की जगह, गैस के लिए तो कंसंट्रेशन तो कैलकुलेट नहीं करेंगे उसकी हम, तो क्या करेंगे हम, पार्शियल प्रेशर, वेरी गुड, उसके पार्शियल प्रेशर, तो क्या कह सकते हैं हम यहाँ पे P1 by P2, और यहाँ पे भी P1 क्या होना चाहिए बेटा, P1 should be greater than P2, नहीं तो E of cell क्या आएगी तुम्हारी, अरे बोलो, नेगेटिव आएगी, नेगेटिव आएगी तो सेल काम नहीं करेगी। समझ गए बेटा? Yes, ये वर्क गिब्स फ्री एनर्जी की टर्म्स में समझ में आया ये सबको, वर्क डन बराबर डिक्रीज इन फ्री एनर्जी, और डेल्टा जी नोट बराबर क्या होना चाहिए तुम्हारा, चेंज इन गिब्स फ्री एनर्जी शुड बी नेगेटिव, एंड और वो नेगेटिव जब होगी जब ई ऑफ सेल क्या होगा तुम्हारा,
पॉजिटिव। अगर ई ऑफ सेल तुम्हारा नेगेटिव हो गया तो क्या हो जाएगा, इंक्रीज। ई ऑफ सेल नेगेटिव हुआ तो डेल्टा जी पॉजिटिव आ जाएगा ना बेटा सर, और डेल्टा जी पॉजिटिव हो गया तो क्या होगा, नॉन स्पॉन्टेनियस रिएक्शन। वेरी गुड, रिएक्शन विल बी नॉन स्पॉन्टेनियस। अब देखो इक्विलिब्रियम कांस्टेंट की वैल्यू कैलकुलेट करनी हो तो E of cell इन टर्म्स ऑफ इक्विलिब्रियम कॉन्स्टेंट। इक्विलिब्रियम का मतलब क्या होता है बेटा, देखो इक्विलिब्रियम का मतलब होता है सर बैकवर्ड एंड फॉरवर्ड बिकम इक्वल। बैकवर्ड एंड फॉरवर्ड का रेट इक्वल। और बेटा हम इक्विलिब्रियम को ऐसे डिफाइन करेंगे कि व्हेन द ऑब्जर्वेबल प्रॉपर्टीज लाइक कंसंट्रेशन, टेम्परेचर, प्रेशर, वॉल्यूम एटसेट्रा, ये चेंज करने पे अपनी वैल्यू चेंज ना हो, रिएक्शन इक्विलिब्रियम में ही रहे, ये कांस्टेंट हो जाए प्रॉपर्टीज टाइम के साथ साथ, तो उसको क्या कहेंगे हम, रिएक्शन किस क्या अटेंड कर लिया, रिएक्शन ने इक्विलिब्रियम अटेंड कर लिया। ठीक है बेटा, जब वो हमने सोल्ट ब्रिज से कनेक्ट किया था तो उसके अंदर बताया था ना मैंने, देखो Zn2+ का ऑक्सीडेशन हो रहा था, ये जिंक 2+ Zn जो जा रहा था ये किस में कन्वर्ट हो रहा था, Zn2+ में, और कॉपर सल्फेट में से कॉपर प्लस टू दो इलेक्ट्रॉन लेके किस में जा रहे थे, कॉपर में। तो इस कंपार्टमेंट में तो क्या बढ़ रहा था, इंक्रीज इन सल्फेट आयन कंसेंट्रेशन, और इस कंपार्टमेंट में Zn+2 इंक्रीज हो रहे थे, यस और नो। तो ये कब तक होता रहेगा, मैंने कहा था कि ये जब तक होता रहेगा जब तक इक्विलिब्रियम अटेन हो जाए, फिर उसके बाद सेल रिएक्शन रुक जाएगी। यस सर। भाई यहाँ पे सल्फेट की बढ़ रहा है, यहाँ पे Zn2+ बढ़ रहा है, तो Zn2+ बढ़ रहा है तो यहाँ पे ये कह सकते हैं हम कि कंसंट्रेशन ऑफ जिंक सल्फेट इंक्रीजेस, जिंक का ऑक्सीडेशन हो रहा है ना बेटा। Yes, sir. और यहाँ पे कंसेंट्रेशन ऑफ कॉपर सल्फेट, क्योंकि कॉपर डिपॉजिट हो रहा था तो डिक्रीजेस, बिकॉज कॉपर गेट्स डिपॉजिटेड, और यहाँ पे जिंक गेट्स डिसोल्व, जिंक तो डिसोल्व हो जाएगा और कॉपर डिपॉजिट हो जाएगा, तो इनकी कंसेंट्रेशन वेरी करेंगी नहीं करेंगी, बोलो। यस सर। तो मतलब जहां पे इन दोनों इलेक्ट्रोड्स की पोटेंशियल बराबर हो जाए, व्हेन पोटेंशियल ऑफ टू इलेक्ट्रोड्स बिकम्स इक्वल, जब दोनों पोटेंशियल इक्वल हो जाएगी तो क्या होगा बेटा बताओ, करंट रुक जाएगा। When the potential of two electrodes become equal, then current stop. और current stop हो गया तो ये कह सकते हैं हम कि cell reaction ने वो equilibrium attain कर लिया। Yes. बोलो। Yes sir. जब current रुक जाएगा तो cell की EMF क्या हो जाएगी? EMF of cell बराबर zero. अब देखो तुम्हारी इसमें equation क्या बनेगी? Zn प्लस कॉपर प्लस टू, इसकी कंसेंट्रेशन C2 मान लो, दिस रिएक्शन इन इक्विलिब्रियम विद Zn प्लस टू, इसकी कंसेंट्रेशन C1 मान लो प्लस कॉपर, राइट। अब इसमें इनर्स्ट इक्वेशन देखो क्या है अपनी, E ऑफ सेल बराबर क्या था, E नोट ऑफ सेल माइनस 0.0591 अपॉन n log of ऐसे लिख सकता हूं बेटा मैं, Zn प्लस टू अपॉन कॉपर प्लस टू, यही आएगी ना गैल्वेनिक सेल के लिए, और बाकी इस कॉपर की तो हम 1 ले लेंगे कंसेंट्रेशन प्योर सॉलिड की, और इस Zn की भी क्या ले लेंगे 1। तो इक्विलिब्रियम के ऊपर इनकी कंसेंट्रेशन जिंक Zn 2 प्लस और ये कॉन्स्टेंट हो जाएंगी, तो यहाँ पे E नोट ऑफ सेल, E ऑफ सेल बराबर क्या हो जाएगा यहाँ पे, देखो इक्विलिब्रियम के ऊपर दोनों इलेक्ट्रोड्स की पोटेंशियल क्या हो रही है बराबर, तो करंट क्या हो गया, रुक गया करंट, रुक गया तो क्या हो गया, जैसे इक्विलिब्रियम के अंदर हम ग्राफ बनाते हैं
तो ये कह सकते हैं कि कंसंट्रेशन ये की डिक्रीज हुई और ये कंसंट्रेशन जेड एन टू प्लस की इंक्रीज हुई, ये तो होगी ऑक्सीडेशन हाफ सेल के लिए, और ये किसकी होगी रिडक्शन हाफ सेल के लिए। यहां पे पोटेंशियल जीरो मान लो इसकी, रिएक्शन पोटेंशियल, और ये आर ओ आर रेट ऑफ रिएक्शन। तो इस स्टेज के ऊपर ये जब बराबर होगी तो यहां पे कांस्टेंट होगी यहां पे, तो ये क्या कह सकते हैं कौन सी स्टेट है, ये इक्विलिब्रियम स्टेट। इक्विलिब्रियम स्टेट का मतलब जब ये कांस्टेंट हो जाए, ऑब्जर्वेबल प्रॉपर्टीज क्या हो जाए बेटा इसके अंदर कांस्टेंट, कांस्टेंट हो जाए मतलब कंसंट्रेशन फिर फर्दर चेंज ना हो, राइट। तो ई ऑफ सेल, ई एम एफ ऑफ सेल, ई बराबर जीरो, तो ये जीरो पुट कर दी हमने, जीरो बराबर क्या हो गया ई नोट ऑफ सेल माइनस 0.0591 अपॉन एन। और बेटा इसको क्या पुट कर सकते हैं, कंसंट्रेशन ऑफ प्रोडक्ट्स अपॉन रिएक्टेंट्स इक्विलिब्रियम के ऊपर, ये रिएक्शन कोशेंट के बराबर, ये इक्विलिब्रियम कांस्टेंट के बराबर होता है, बोलो यस सर। तो इसको मैं ऐसे पुट कर सकता हूं लॉग 10 बेस के सी, के सी इज द इक्विलिब्रियम कांस्टेंट। तो देखो यहां पे ई नोट ऑफ सेल क्या आ जाएगा आपका, देखो ई नोट ऑफ सेल बराबर 0.0591 अपॉन एन लॉग 10 बेस के सी। बेटा ये आ जाएगा नहीं आएगा, यस सर। देखो कल हमने एक रिएक्शन लिखी थी, एक रिएक्शन के अंदर ये लिखा था कि डेल्टा जी इक्वल्स टू डेल्टा जी नोट प्लस आर टी एल एन क्यू सी लिखा था ना बेटा, ये थर्मोडायनेमिक्स पे, ये तो स्टैंडर्ड गिब्स फ्री एनर्जी होगी और ये होगी गिब्स फ्री एनर्जी ऑफ रिएक्शन, ये स्टैंडर्ड होगी। और क्यू सी को क्या बोला था हमने, क्यू सी बराबर क्या होता है प्रोडक्ट ऑफ, वेरी गुड, रिएक्शन कोशेंट, और रिएक्शन कोशेंट बराबर क्या होता है प्रोडक्ट की कंसंट्रेशन रेस टू द पावर उनके स्टोकियोमेट्रिक कोएफिशिएंट्स अपॉन रिएक्टेंट की कंसंट्रेशन, रिएक्टेंट की एक्स मान लो प्रोडक्ट की वाई। तो क्यूसी तो बेटा ये मतलब इट कैन बी डिफाइंड एट एनी स्टेज ऑफ रिएक्शन, इट कैन बी डिफाइंड एट एनी स्टेज, और प्रोडक्ट की कंसंट्रेशन अपॉन रिएक्टेंट की कंसंट्रेशन इक्विलिब्रियम के ऊपर QC किसके बराबर हो जाता है, एट इक्विलिब्रियम, इक्विलिब्रियम पे रिएक्शन कॉन्स्टेंट बराबर हो जाता है इक्विलिब्रियम कॉन्स्टेंट के, QC किसके बराबर हो जाता है बेटा KC के, और डेल्टा G ऑफ रिएक्शन क्या हो जाती है इक्विलिब्रियम के ऊपर जीरो। तो ऊपर वाली इक्वेशन में ये पुट कर दो, put these values in above equation, बताओ क्या बन जाएगी फिर equation तुम्हारी, बोलो बेटा सर। E note of cell equal to 0.0591 upon n into kc, हाँ अब बोलो बेटा। देखो डेल्टा जी ऑफ रिएक्शन तो होगी जीरो, तो जीरो बराबर ये बोल सकते हैं हम डेल्टा जी नोट प्लस आर टी एल एन के सी, राइट। और दिस इंप्लाइज डेल्टा जी नोट बराबर ऐसे पुट कर सकते हैं माइनस आर टी एल एन के सी, और बेटा नेचुरल लॉग को जब 10 बेस में कन्वर्ट करते हैं तो क्या करेंगे उसको हम 2.303 के फैक्टर से मल्टीप्लाई करेंगे, माइनस 2.303 आर टी लॉग 10 बेस के सी, ये आ गई डेल्टा जी की इक्विलिब्रियम कांस्टेंट के साथ रिएक्शन। समझ आया नहीं आया बेटा, बोलो। देखो अब ये जो रिलेशन है, इस रिलेशन की दोनों के साथ हम डेल्टा जी और इनमें रिलेशन निकाल सकते हैं। देखो अभी अपन ने निकाला था
एज एज डेल्टा जी नोट बराबर माइनस एन एफ ई नोट ऑफ सेल, निकाला था ना बेटा? यस सर। अब देखो डेल्टा जी बराबर माइनस एन एफ ई नोट ऑफ सेल, इन इक्वेशंस को दोनों की एक साइड बराबर है, दोनों की राइट हैंड साइड बराबर है, तो मैं इसको ऐसे पुट कर दू माइनस एन एफ ई नोट ऑफ सेल बराबर माइनस 2.303 आर टी लॉग 10 बेस के सी। यस और नो? देखो माइनस से माइनस कैंसिल हो गया और ई नोट ऑफ सेल बराबर क्या आ गया इसमें, देखो ऊपर वाली रिएक्शन आ जाएगी नहीं आएगी, ई नोट ऑफ सेल आ गया, मैंने क्रॉस वेरीफाई किया है उसको, 2.303 इंटू आर टी अपॉन एन एफ लॉग 10 बेस के सी, आ गई ना बेटे? अब देखो 2.303 अपॉन एफ इंटू आर टी, ये पूरी चीज की वैल्यू किसके बराबर है, 0.0591, कल निकाली थी हमने। yes, तो यहां से ई ऑफ सेल बराबर, बोलो वही फॉर्मूला आ गया नहीं है, 0.0591 अपॉन एन लॉग 10 बेस के सी, आ गई ना बेटे ये वाली एक्सप्रेशन? yes, देखो एक बार दोबारा देख लो कि इक्विलिब्रियम कांस्टेंट का मतलब क्या होगा। इक्विलिब्रियम का मतलब जब सेल रिएक्शन क्या अटेन कर ले बेटा, देखो सबसे पहले हमने पढ़ा थर्मोडायनेमिक्स को इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री से रिलेट किया है, ये कंसंट्रेशन सेल में तो कोई डाउट नहीं है ना, वर्क डन बाय अ सेल, वर्क डन बाय अ सेल बराबर वर्क डन बराबर वो चार्ज इंटू वहां पोटेंशियल, तो वो चार्ज क्या हो गया एन नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इंटू फैराडेज कॉन्स्टेंट, टोटल चार्ज हो गया, पोटेंशियल क्या होगी वहां पे, पोटेंशियल होगी ई नोट ऑफ सेल, राइट? अब पोटेंशियल ई नोट ऑफ सेल होगी तो यहाँ पे ये वर्क डन ऑफ बाय द सेल वो बराबर होता है डिक्रीज इन फ्री एनर्जी, वर्क डन किसी भी बॉडी का जो वर्क डन होगा बेटा वो उसकी फ्री एनर्जी का क्या होगा, डिक्रीज इन फ्री एनर्जी। तो देखो स्टैंडर्ड ईएमएफ ऑफ सेल डेल्टा जी नोट बराबर आ गया माइनस एन एफ ई नोट ऑफ सेल, ये यहां से पुट कर सकते हैं नहीं, इसमें डेल्टा जी बराबर नेगेटिव है तो माइनस एन एफ ई नोट ऑफ सेल हो गया ना बेटा ये। अब देखो सेल काम कब करेगा, जब डेल्टा जी नेगेटिव हो और ई नोट ऑफ सेल क्या हो, पॉजिटिव, अदरवाइज काम नहीं करेगा। अब देखो इक्विलिब्रियम कांस्टेंट की टर्म्स में हम बोल रहे थे कि जैसे ये गैल्वेनिक सेल का हमने एग्जाम्पल लिया, तो गैल्वेनिक सेल के अंदर क्या हो रहा है, जिंक का तो ऑक्सीडेशन हो रहा है, मतलब जिंक सल्फेट की कंसेंट्रेशन बढ़ रही है और कॉपर का रिडक्शन हो रहा है, तो इसका मतलब कॉपर की रिएक्शन क्या हो रही है, कॉपर सल्फेट की कंसेंट्रेशन कम हो रही है। तो बेटा जब इनकी व्हेन द पोटेंशियल ऑफ द टू इलेक्ट्रोड्स बिकम इक्वल, जब दोनों की पोटेंशियल बराबर हो जाएगी अपनी, तो बराबर हो जाएगी तो करंट स्टॉप्स, बेटा करंट तो जब ही चलेगा ना जब व्हेन देयर इज अ पोटेंशियल डिफरेंस, तो करंट स्टॉप, तो ईएमएफ ऑफ सेल क्या होगी आपकी, जीरो। तो ये अपनी ये रिएक्शन थी इक्विलिब्रियम के ऊपर, तो यहां पे जिंक और कॉपर प्योर प्योर सॉलिड्स है, तो प्योर सॉलिड्स की कंसंट्रेशन कांस्टेंट मान ली 1, तो E ऑफ सेल बराबर E नोट ऑफ सेल, ये नर्स्ट इक्वेशन के अंदर हमने E ऑफ सेल को 0 पुट कर दिया, तो E नोट ऑफ सेल बराबर क्या आ गया, और Zn2+ अपॉन कॉपर 2+ को क्या मान लिया हमने, किसके बराबर है वो, इक्विलिब्रियम कांस्टेंट, रिएक्शन की किसी भी स्टेट के ऊपर तो हम कहेंगे उसको QC के बराबर है, और इक्विलिब्रियम स्टेट पे QC किसके बराबर हो जाता है, रिएक्शन कांस्टेंट KC के बराबर। तो यहां से E ऑफ सेल E नोट ऑफ सेल बराबर आ गया, इसको उधर ले जाएंगे तो प्लस का हो जाएगा ना ये माइनस का फैक्टर, इसको उधर ले जाएंगे तो क्या हो जाएगा, E नोट ऑफ सेल बराबर 0.0591 अपॉन n log 10 बेस KC, n हो गया नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। अब इसको हमने इक्विलिब्रियम की टर्म्स में डेल्टा जी की टर्म्स में पुट कर दिया, यहां पे डेल्टा जी बराबर क्या है, डेल्टा जी नोट प्लस आरटी ln QC, तो यहां पे इक्विलिब्रियम के ऊपर डेल्टा जी ऑफ रिएक्शन की क्या होती है, जीरो। तो ये जीरो पुट की तो डेल्टा जी नोट बराबर क्या आ गया, माइनस आरटी ln KC, और नेचुरल लॉग को जब भी कभी हम 10 बेस में कन्वर्ट करेंगे तो क्या कर देंगे बेटा उसको, हम 2.303 से फैक्टर से मल्टीप्लाई कर लेंगे, तो ये नेगेटिव नेगेटिव कैंसिल हो गया, यहाँ पे इन दोनों को डेल्टा जी बराबर हो गया माइनस एन एफ ई नोट ऑफ सेल, इन दोनों को इक्वेट कर दिया, नेगेटिव नेगेटिव को कैंसिल करके क्या जाएगा, ई नोट ऑफ सेल निकाल ली, और फिर कॉन्स्टेंट फैक्टर की वैल्यू निकाल ली, तो ये एक्सप्रेशन आपकी
और ये एक्सप्रेशन, दोनों सेम है या नहीं है? ये क्रॉस वेरीफाई करने का तरीका है, तुम दोनों किसी भी तरीके से कर सकते हो, समझ गए बेटा? यस सर। अरे बोलो। यस सर। देखो उसके बाद, उसके बाद मैं एक बहुत इंपॉर्टेंट बात बता रहा हूँ आपको, दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। ये जेई के तो क्वेश्चंस में, नीट के भी पेपर में आता रहता है बेटा ये कंसेप्ट। पता है क्या है इसमें, कि जैसे ई ऑफ सेल जो है आपका, इलेक्ट्रोड पोटेंशियल, इलेक्ट्रोड पोटेंशियल कौन सी प्रॉपर्टी है? ये इंटेंसिव प्रॉपर्टी है बेटा। थर्मोडायनेमिक्स में पढ़ी थी क्या इंटेंसिव और एक्सटेंसिव प्रॉपर्टीज? यस सर। देखो इंटेंसिव प्रॉपर्टी वो होती है विचार इंडिपेंडेंट ऑन द, विचार इंडिपेंडेंट ऑन द अमाउंट ऑफ सब्सटेंस। जो अमाउंट ऑफ सब्सटेंस के ऊपर डिपेंडेंट ना हो उनको क्या बोलेंगे बेटा हम? इंटेंसिव प्रॉपर्टीज, ठीक है। और जो अमाउंट ऑफ सब्सटेंस के ऊपर डिपेंड करे उनको क्या बोलते हैं हम? एक्सटेंसिव प्रॉपर्टीज। तो ये जो इलेक्ट्रोड पोटेंशियल होती है, ई ऑफ सेल इज द इलेक्ट्रोड पोटेंशियल, ये कौन सी प्रॉपर्टी है? इंटेंसिव। इंटेंसिव प्रॉपर्टी, राइट। तो इंटेंसिव प्रॉपर्टीज को बेटा हम जोड़ नहीं सकते, जैसे अलग अलग सेल के लिए हो तो उनको हम ऐड नहीं कर सकते, नहीं समझे बात? नो सर। इसकी वैल्यू इलेक्ट्रोड पोटेंशियल जो है इंटेंसिव प्रॉपर्टी की वैल्यू, मतलब इट डू नॉट डिपेंड ऑन नंबर, एन के ऊपर नंबर पे डिपेंड नहीं करेगी, ये नंबर पे डिपेंड नहीं करेगी। लेकिन डेल्टा जी जो है, डेल्टा जी क्या है आपकी? गिब्स फ्री है ना? डेल्टा जी इज अ एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी, दिस इज द एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी, डिपेंड्स ऑन नंबर, ये नंबर पे डिपेंडेंट होगी, राइट? बोलो। अब देखो मतलब तुम्हारे को क्या करना है, न्यूमेरिकल सोल्व करते टाइम, जैसे ये इंटेंसिव प्रॉपर्टी दे रखी है, ये दे दे अलग अलग सेल की, तो ये अलग अलग सेल की दे दे और तुम्हारे को डिफरेंट रिएक्शन के लिए पूछे, तो तुम्हारे को पहले क्या करना पड़ेगा, ई ऑफ सेल को डेल्टा जी की टर्म्स में फॉर्मुलेट करना पड़ेगा बेटा, नहीं समझे मेरी बात? देखो जैसे गैल्वेनिक सेल की रिएक्शन है ZN, तो ZN प्लस कॉपर प्लस टू, ZN कॉपर प्लस टू किस में जा रहा है? ये तो ZN प्लस टू में, और कॉपर किस में रिड्यूस हो रहा है? कॉपर प्लस टू Cu में। तो इस रिएक्शन की डेल्टा जी निकालोगे तुम, तो डेल्टा जी बराबर ऐसे ही तो आएगी माइनस एन, एन की वैल्यू कितनी होगी यहां पे? टू, तो माइनस टू इंटू एफ इंटू ई नोट ऑफ सेल, यस और नो? बोलो बेटा। यस सर। मम्मी धीरे बोलो ना, बहुत जोर जोर से बोल रही है। तो डेल्टा जी बराबर माइनस टू इंटू एफ इंटू ई नोट ऑफ सेल, ठीक है बेटा? ये टू क्या हो गया यहां पे? नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। अब मान लो इसी रिएक्शन को मैं टू से ये इस रिएक्शन के लिए डेल्टा जी आया नहीं आया, अब इस रिएक्शन को टू से मल्टीप्लाई करते हैं, टू जेड एन प्लस टू कॉपर प्लस टू से क्या बन गया इसमें? 2Zn प्लस 2 प्लस 2 कॉपर प्लस 2, तो यहां पे n की वैल्यू कितनी होगी बताओ? 4। n की वैल्यू 4 होगी ना, तो यहां पे डेल्टा जी क्या आ जाएगा इस रिएक्शन के लिए? इस रिएक्शन के डेल्टा जी नोट बराबर आ गया माइनस 4 इंटू एफ इंटू एफ इंटू ई नोट ऑफ सेल। बोलो बेटा, तो डेल्टा जी नंबर पे डिपेंडेंट है या नहीं है? अब देखो E नोट, इस सेल की E नोट क्या आती है? E नोट आती है कैथोड माइनस एनोड, तो अगर मैं सही बता रहा हूं तो 1.1 वोल्ट आती है। ये निकाली थी हमने कॉपर और इसकी, यस सर।
तो ये 1.1 वोल्ट भी डबल हो जाएगी क्या? देखो बेटा ये, चलो मैं तुम्हारे को एक ऐसा लाइव एग्जांपल बता, तुमने एक जो मोटा सेल है जो टॉर्च के अंदर डलते हैं इतना मोटे वाला सेल, वो देखा है? यस सर। तो इसके ऊपर, सेल के ऊपर तुम ऑब्जर्व करना, इसकी ईएमएफ 1.5 वोल्ट लिखी हुई मिलेगी आपको। और एक ये जो छोटे वाला सेल है ये घड़ी में डल रहा है ना, ऐसा घड़ी में और रिमोट में। यस सर। तो ये सबके पास होगा तुम्हारे पास, इस पे भी देखना तुम कितनी वोल्ट लिखी हुई मिलेगी, 1.5 वोल्ट। तो देखो इसमें तो जो इलेक्ट्रोलाइट और वो है उसके कंसंट्रेशन ज्यादा है और इसमें कम है, लेकिन दोनों की ईएमएफ तो सेम है ना बेटा। अरे बोलो। यस सर। बेटा चलो मैं इसका एक और एग्जांपल बताता हूँ, सबके घर में बैटरी तो होगी ना, इन्वर्टर और बैटरी। यस सर। तो एक जो उसके ऊपर देखो, उसमें पानी डालने के 6 कंपार्टमेंट से बना रखे होंगे। यस सर। ऑब्जर्व किए देखे हैं? तो yes, एक कंपार्टमेंट 2 वोल्ट प्रोड्यूस करता है, तो 6 कंपार्टमेंट कितने प्रोड्यूस करेंगे? 12 वोल्ट। तो वो घर में तो इन्वर्टर पे तो बड़ी बैटरी लगा रखी है तुमने, और गाड़ी के अंदर भी ऐसी बैटरी होती है, मोटरसाइकिल में भी वही बैटरी होती है, लेड स्टोरेज बैटरी, और उनके ऊपर सब के ऊपर 6-6 पॉइंट होते हैं। तो गाड़ी की बैटरी तो छोटी होती है ना। यस सर। तो उसकी क्या कम हो जाएगी या 12 वोल्ट ही रहेगी बेटा? वो अमाउंट पे, बड़ा छोटा होने से डिपेंड नहीं करती। ये कौन सी प्रॉपर्टी है? इंटेंसिव। इंटेंसिव प्रॉपर्टी मतलब विच आर इंडिपेंडेंट ऑन द अमाउंट, जो अमाउंट पे डिपेंड ना करे। नहीं समझे बात? देखो क्या कह रहे हो? तो समझ गए। अब देखो ये जो रिएक्शन है, डेल्टा जी ऐसे बदल जाएगा लेकिन ई नोट की वैल्यू ऐसे नहीं बदलेगी। देखो कल याद करो, मैंने ईएमएफ के अंदर एक ट्रिक बताई थी तुम्हारे को, संडे क्यों 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 आई, कॉपर 3 बार बताया था ना। यस सर। यस सर। तो देखो उसके अंदर क्या थी अपने पास वैल्यू, इनकी वैल्यू तो अभी उसकी बुक में चेक करेंगे हम, कि कॉपर जो है, कॉपर प्लस 2 है, कॉपर प्लस 2 एक इलेक्ट्रॉन लेता है और ये किस में बदलता है? कॉपर के अंदर, राइट? प्लस 2 एक इलेक्ट्रॉन लेके कॉपर प्लस 1 में बेटा। यस सर। ठीक है, उसके बाद कॉपर प्लस 1, कॉपर प्लस 2 2 इलेक्ट्रॉन गेन करके मान लो कॉपर में बदलता है 0 में, और एक कॉपर प्लस 1 एक इलेक्ट्रॉन लेके और कॉपर में बदलता है। तो इसमें इसकी ई नोट वैल्यू आपको गिवन हो और इसकी भी ई नोट वैल्यू गिवन हो, तो इसकी ई नोट वैल्यू निकाल सकते हो। देखो अगर तुम इस रिएक्शन को उल्टी कर दो, सीधी अगर उल्टी करोगे तो यहां पे कॉपर प्लस 1 कॉपर प्लस 1 क्या हो जाएगा इसमें? कॉपर प्लस 2 बेटा, प्लस 1। देखो इसमें प्लस 1 इधर है और इसमें इधर है, तो फर्स्ट जो रिएक्शन है तुम्हारी, फर्स्ट रिएक्शन को उल्टी कर दो। देखो फर्स्ट रिएक्शन को उल्टी करोगे तो प्लस वन कैंसिल हो जाएगा ना। यस सर। लेकिन ऐसा नहीं कर सकते हम। क्यों नहीं कर सकते? क्योंकि हम ई नोट वैल्यू, ये एडिटिव प्रॉपर्टी नहीं है, ये एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी है, इट डिपेंड्स ऑन नंबर। तो इसलिए इसको हम बोल देते हैं ये एडिटिव और सब्सट्रैक्टिव होगी, मतलब इनमें डिफरेंट रिएक्शंस को हम ऐड भी कर सकते हैं और सब्ट्रैक्ट भी कर सकते हैं, बट दिस इंटेंसिव प्रॉपर्टीज दे आर नॉट एडिटिव, दे आर नॉट एडिटिव और सब्सट्रैक्टिव। समझ गए बेटा बात? तो पहले ये जो ई नोट वैल्यू, देखो एक बार मैं इनकी ई नोट वैल्यू देखता हूं, कॉपर प्लस 2 से एक इलेक्ट्रॉन लेके कॉपर प्लस 1 में जा रहा है, जीरो पॉइंट वन सिक्स, इसकी वैल्यू दे रखी है 0.16 वोल्ट। कॉपर प्लस 2 एक इलेक्ट्रॉन लेके, इसकी तो 0.34 है, मेरे ध्यान है 0.34 वोल्ट, और इसकी निकालनी है आपको। अब देखो क्या करें बेटा हम इसमें, कि इसको पहले डेल्टा जी की टर्म्स में बदल लो,
तो डेल्टा जी की टर्म्स में कैसे बदलोगे, यहाँ पे इसका डेल्टा जी क्या आ गया, माइनस एन, एन की वैल्यू वन होगी यहाँ पे, एफ इंटू 0.16 और यहाँ पे डेल्टा जी क्या हो गया इसका, माइनस टू इंटू एफ इंटू 0.34 और इसकी डेल्टा जी बराबर कितनी होगी बेटा, माइनस एक इलेक्ट्रॉन काम में आ रहा है, वन इंटू एफ इंटू ई नोट। अब बोलो इनसे तीनों से इन, ये जो डेल्टा जी है, अब डेल्टा जी तुम्हारी क्या होगी, एडिटिव प्रॉपर्टी होगी या सब्ट्रैक्टिव है, मतलब अब ये वो एडिटिव या सब्ट्रैक्टिव प्रॉपर्टी में बदल गई या नहीं बदली, ई को हमने बदल दिया ना उसमें, यस सर। तो मतलब डायरेक्टली तुम क्या करते हैं, इसमें से कौन सी इक्वेशन को सब्ट्रैक्ट करते हैं, ये इक्वेशन लाने के लिए, तीसरे नंबर वाली लाने के लिए, देखो तीसरे नंबर वाली इक्वेशन लाने के लिए इसमें देखो ना बेटा, कॉपर प्लस वन को इधर लाना है रिएक्टेंट साइड में, तो इसको इधर लाओगे तो कॉपर प्लस टू, वहां इसको रिएक्शन को नेगेटिव कर दे हम पहली वाली को सारी को, तो कॉपर प्लस टू उधर चला जाएगा, तो ये प्लस टू कट जाएगा और एक इलेक्ट्रॉन में से एक इलेक्ट्रॉन सब्ट्रैक्ट हो जाएगा, कॉपर प्लस इधर आ गया, ये कॉपर इधर आ जाएगा, तो ये रिएक्शन आ जाएगी, नहीं आएगी अपनी, यस सर। लेकिन ऐसा हम कर सकते हैं, नो सर, क्यों नहीं कर सकते, क्योंकि ई नोट जो है वो एडिटिव प्रॉपर्टी नहीं है, नहीं है, समझ गए बात, नहीं है। तो पहले तो उसको किस में बदलो, डेल्टा डेल्टा जी, डेल्टा जी के अंदर बदलो, और डेल्टा जी के अंदर बदल के उसको कन्वर्ट करो, तो आप बदल सकते, आप ला सकते हो या नहीं, अब इनकी डेल्टा जी को तुम ऐड या सब्ट्रैक्ट कर लो तो तुम्हारे पास आंसर आ जाएगा। बेटा नहीं आई बात समझ में, बताओ कैसे लाओगे, हर्षित बताना कैसे लाएगा सर, ऐड या सब्ट्रैक्ट कर लेंगे, तो कैसे करेगा, तो वो आंसर जो रिएक्शन है वो तुम्हारे पास लिखी हुई है ऊपर, इनको करके बता सर, सीयू प्लस टू प्लस टू ई माइनस सीयू में बदल रहा है सर। बेटा तेरे को इसकी चाहिए तीसरे नंबर वाली रिएक्शन, तो तीसरे नंबर वाली रिएक्शन कैसे ला सकता है, इसको डेल्टा जी वन मान ले, इसको डेल्टा जी टू मान ले, इसको डेल्टा जी थ्री मान ले, तो डेल्टा जी थ्री कैसे लाएगा ये बता इसमें, देख मैं ऐसे लिख दूं डेल्टा जी थ्री को, ये नोट स्टैंडर्ड है, डेल्टा जी थ्री को ऐसे लिख सकता हूं मैं, डेल्टा जी नो जी वन नोट माइनस डेल्टा जी टू नोट, डेल्टा जी टू माइनस जी वन, नहीं जी वन माइनस जी टू, वो नेगेटिव में है ना सर, जी टू सर जी वन करेंगे होगा शायद, क्या होगा माइनस थ्री हो जाएगा सर, फिर तो माइनस थ्री हो जाएगा ना, जी टू, हाँ जी टू माइनस जी वन, तो जी टू माइनस जी वन से आ जाएगा, तो G2 कितना कर दें इसके अंदर, G2 नोट माइनस 2F, 2 को F इससे मल्टीप्लाई कर दो, माइनस 0.68F, ठीक है, माइनस 0.68 माइनस माइनस वो कितना हो गया 0.16, तो कितना आ गया ये 0.68 माइनस 0.16 घटाओ 0.52, माइनस 0.52 एफ आ गया है बेटा, ये एफ हो रहा है यहाँ पे, ठीक है, अरे ये डेल्टा जी थ्री की वैल्यू आ गई, नहीं आई, यस सर। अब इसको किसके बराबर पुट कर दो, माइनस वन इंटू एफ इंटू ई नोट ऑफ सेल, यस और नो, और ये ई नोट कौन सी हुई सेल की, ये सेल रिप्रेजेंट कर लो इसको, कॉपर प्लस वन किस में बदल रहा है, कॉपर के अंदर, अब देखो नेगेटिव से नेगेटिव कैंसिल हो गया, तो ई ऑफ कॉपर प्लस वन से कॉपर में कितनी आ गई, एफ से एफ कैंसिल हो जाएगा बेटा इसमें, यस सर, तो 0.52 वोल्ट आ गई या नहीं आएगी, यस, समझ आया नहीं आया, कैसे लाएंगे आंसर, ये बेटा सब एग्जाम्स में आया हुआ है, ये जेई के एडवांस में भी, मेंस एग्जाम में भी, नीट में भी, सब में, कि पहले उसको इंटेंसिव प्रॉपर्टी को किस में बदलोगे, एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी, क्योंकि ऐड और सब्ट्रैक्ट किसको कर सकते हो तुम, ओनली एक्सटेंसिव प्रॉपर्टीज को, ओके, यस सर। अब उसके बाद इलेक्ट्रोलाइसिस, दैट वी विल डिस्कस टुमारोज़ लेक्चर।
ओके बेटा, थैंक यू। थैंक यू सर। थैंक यू सर। थैंक यू सर। बेटा समझ आया नहीं आया ये? थैंक यू सर। सर हाँ बेटा, हम CuSO4 aqueous solution को Zn के रोड मतलब उसमें स्टिर कर सकते हैं। CuSO4 का डिस्प्लेसमेंट हो जाएगा बेटा, कॉपर कॉपर बन जाएगा उसमें डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। तो कर, सर नहीं कर सकते? कर सकते हैं उसे स्टिर, उसमें नहीं स्टिर मतलब घोलना है उसको ना। सर नहीं बेटा, कैसे घोल सकते हैं, फिर वो रिएक्शन हो जाएगी ना उसमें तो। नहीं समझी तनु? हां सर समझ गई सर।